there's a lot of sheep food. And there's a lot of food to give your sheep to kill it. आप जानते हैं वहाँ भेड़ों के लिए बहुत अधिक भोजन है और वहाँ बहुत अधिक भोजन जिसे आप अपनी भेड़ों को देते हैं इसे खत्म कर देगा। And I'm so glad that God was mindful enough of these sheep to get the right kind of shepherd, the Lord Jesus. और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर अपनी भेड़ों के प्रति इतना सचेत था कि उन्हें सही प्रकार का चरवाह मिल सके जो प्रभु यीशु है। वह जानता है कि भेड़ों का भोजन क्या है और आप जानते हैं भेड़ों का भोजन क्या है। It's the word of God. Man shall not live. May I change that just a little? ये परमेश्वर का वचन है, मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। क्या मैं इसे थोड़ा सा बदल सकता हूँ? Sheep shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. भेड़ केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगी। The sheep of God are fed by the word of God. परमेश्वर की भेड़ों को परमेश्वर के वचन के द्वारा भोजन मिलता है। The Holy Spirit in you, what makes you the sheep, feeds solemnly on the word, and solely he feeds on the word. आप में पवित्र आत्मा जो आपको भेड़ बनाता है सत्य निष्ठा से वचन पर भोजन करता है और केवल वो वचन पर भोजन करता है। आप वचन के बाहर जो कुछ भी बाड़े में फेंकेंगे वो उसे जड़ से उखाड़ कर एक तरफ कर देगा और वही पड़े रहने देगा।